पिछले कुछ दिनों से बिहार में एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है और इस मुद्दे ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है। लेकिन इस मुद्दे के साथ ही एक और मुद्दे पर चर्चा तेज है और वो है राजद और जेडीयू के साथ आने की। और अब एक बार फिर इस सुगबुगाहट को हवा मिल गई है और इस बार इसका कारण है जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, जिसके बाद से माना जा रहा है कि ये दोनों साथ आ सकते हैं। दरअसल जातिगत जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव की तरफ से जब सीएम नीतीश को घेरा गया और नीतीश की मंशा पर सवाल उठाए गए तो उपेंद्र कुशवाहा ने उनका बचाव करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के मामले में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तेजस्वी यादव के साथ है। ये भी साफ है कि इस मामले में बीजेपी ने अब तक सकारात्मक सिग्नल नहीं दिया है। उनके इस बयान ने अटकलों को और हवा दे दी, जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बंद कमरे में हुई बैठक पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 5 साल बाद बंद कमरे में मुलाकात की है। दरअसल 5 साल पहले जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे तब उनकी आखिरी मुलाकात नीतीश कुमार से अकेले बंद कमरे में हुई थी। 5 साल बाद फिर ऐसे समय में जब बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस दौरान मुलाकात हुई, जिसके बाद सियासी गलियारे में चर्चा तेज हो गई। इससे पहले इफ्तार पार्टी के दौरान भी दोनों की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इन अटकलों का मुख्य कारण ये भी है कि नीतीश और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पिछले कुछ दिनों से वही मेलजोल नजर आ रहा है जो गठबंधन टूटने से पहले था। अब चाहे वो 2017 के बाद दोबारा राबड़ी आवास पर हुई इफ्तार पार्टी में जाना हो या फिर तेजस्वी के साथ हुई नीतीश कुमार की चर्चा, ऐसे में सुगबुगाहट तो तेज होगी ही, खासकर जब बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ गई हैं।